कॉलेज में एंट्री करते ही इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन नॉट टू टच दिस होली प्लेस, कुछ भी टच नहीं करना है यहाँ पर। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ द सीरीज़। और अभी हम लोग आ रखे हैं कसौली हैं आज भी, और प्लान आज ये है कि मलाना जाना है अपन को। हाँ, ये हॉस्टलर की दूसरी प्रॉपर्टी है जो हमने कसौल में ली है, तो मलाना हम लोग निकलते हैं वही अपनी बाइक से और आगे देखते हैं। हमारे साथ 8 लोग भी जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने 8 लोगों को डर लग रहा था, उन्होंने कहा आपके साथ जाना चाहते हैं हम। ऐसा उल्टा हुआ है कुछ, मैंने कहा ठीक है हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो देखते हैं मलाना इस वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस विलेज जो भी यहाँ पर हिमाचल में एडवर्टाइज, वो अलेक्जेंडर जो सिकंदर जिसको कहते हैं हम हिंदी में, उसके एंसेस्टर्स वहाँ रहते हैं, तो उनसे भी ट्राई करेंगे वंशज मिलने, तो मिलने को मिले तो देखा हाँ, हाथ मिलाना उनसे एक बार। बाकी चीज़ें वहीं जाके बताएंगे, चलो रास्ता शुरू करते हैं। बीच रास्ते में रुके हैं और ये मंदिर है, बाकी ये नज़ारे एकदम। ये बाइक रुकी है अपनी, ब्रह्मास्त्र वाली गुफा है। अबे नहीं यार, अबे तेरी वो भाई यार। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये है वो गेट जहाँ से अपन को जाना है, और थोड़ी बहुत क्या बहुत सा हीट ट्रैकिंग कर ली। चलो बाकी मुझे लग रहा है ट्रैक तो अच्छा खासा लंबा है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और फिर विलेज में जाके आपको बताएंगे क्या रहा एक्सपीरियंस। मलाना के लिए ट्रैकिंग चल ही रही है और काफ़ी ख़तरनाक सा ट्रैक है यार, तो मैं शूटिंग बंद करता हूँ और फिर पहुँच के आपको ब्लॉग दिखाता रहूँगा। रुको, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? हम भी दिल्ली से ही हैं। पता है, लग ही रहे हो। आप कहाँ से हो? नोएडा। वो नोएडा मोतीनगर पटेल नगर के पास। मैं मैरोली से हूँ। अच्छा, कुतुब मीनार। तो अराउंड आधा घंटा हो गया है ट्रैक करते करते, चढ़ाई बहुत स्टीप है और ये पीछे गांव है, तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा। चल रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में भी। कहाँ सांस फूल रही है यार। मैं वन स्टॉप में है, यही रुक रहे हैं, बार बार इनके चक्कर में रुकना पड़ रहा है। चलो हो गया कैमरा, बैठ गई। सो गाइस, ट्रैक करते करते मलाना के लिए, ये मलाना गांव है, ठीक है, और इजी है ट्रैक, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आ सकते हो आप, बताना बहुत टफ है भाई। पानी वहाँ से बहता हुआ आ रहा है और कुछ पीने वाले हम, बहुत ठंडा है भाई, बहुत ही अच्छा है। तो भाई मलाना विलेज लगभग हम पहुँच ही चुके हैं, और ये देखो, ये आपको देख के समझ गए होगे क्या चीज़ है ये।
विलेज में एंट्री करते हैं। अच्छा आप कर रहे हो, ये दिखाओ। विलेज में एंट्री करते ही इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन नॉट टू टच दिस होली प्लेस। आओ भाई कुछ भी टच नहीं करना है यहाँ पर। है भैया अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ वी टच द दीज प्लेसेस? ऑब्वियसली इट सेज दैट द पर्सन विल बी पनिश्ड हियर, राइट? सो व्हाट विल बी द पनिशमेंट? Punish, I mean, it's just their wish. They have their panchayat procedures and rule and the regulations, you know. Okay, the panchayat will decide. Yeah, the panchayat will decide what is what will be the punishment, right? Needs to be given to the person. Okay, that's great. And the rest. That's interesting. And there are some of the other structures as well. If you touch them, so they'll. They have their own law, right? Yeah. Yes, indeed. Okay. They'll give you a plan right. Of 3,500. And even 5,000 rupees. It's allowed to record everything here? Yeah. You can touch the stairs. You can touch this as well. Okay. See. Just the holy yes. Things. Yeah. And we have a sort of sign as well if he touches. Touch it rather. Okay. Charging. Pushy. Trip nahi pad jayegi isme. Haan ji. Char paanch logon ne chhod diya. टेम्पल पेड़ है ना। ये देखो मुझे जैसे दिखता है तो भाई अभी बैठे हैं स्काई लाइट कैफे मलाना में और लगभग एक घंटा से ज्यादा हुआ है हम चढ़ के आए हुए हैं। उसमें हमने करी है दो मैगी ऑर्डर और एक वाटर बॉटल और मैगी का प्राइस है 120 रुपीज ईच। टेस्ट बताइए। मेरे हिसाब से मैंने देखी थी भाई कि उसका टेस्ट अच्छा ही था। वैसे तो देख के टेस्ट नहीं आता ना, खाते टेस्ट खाने में भी अच्छी होगी यार। चलो देखते हैं, आते हैं सब दिखाते हैं आपको मैगी। क्या तो गाइस मलाना विलेज से बाहर हम लोग अप्रॉक्स आ ही चुके हैं और अभी बस वॉली नीचे उतरना है। रस्ते में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत सारी। तो मलाना विलेज में सबसे पहले तो चीज़ों को छूना मना है, उस पर फाइन है या तो पनिशमेंट है जैसे कि वहाँ के बोर्ड पे ही लिखा हुआ था। दूसरा, आप जब भी वहाँ से जाओगे तो आपको सारे लोग एक स्टेयर से ज़रूर देखेंगे, एक जो कि आप कुछ लोगों को अनकम्फर्टेबल लग सकता है। बाकी जब आप विलेज में कुछ भी शॉपिंग करोगे तो वो पैसे भी आपके हाथ से नहीं लेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप टेबल पर रख दो और आपको वापस भी टेबल पर रख के ही करेंगे। तो कुछ ये चीज़ें थी जो मलाना विलेज में थी। विलेज ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस बाइक वाइक तक रेडी करके। चलो भाई फिर आज इसे बैठेंगे। ये डॉगी भाई हमारे बहुत थक गए हैं भाई, लेकिन काफ़ी वाइड व्यू मिलता है यहाँ से ना आपको। ये बारी कैफे है, काफ़ी ज़्यादा वाइड व्यू है, काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं अब।
पुलगा जो गांव है उसकी थोड़ी सी हमने ट्रैकिंग करी थी, आपको अभी दिखाया भी था। और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत सा है, कोई आप जो आइसोलेशन ढूंढ रहे हो आपको यहाँ मिलेगी।